एक और बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब कराते चलते हैं जो इस वक्त आ गई है। बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त जो आ रही है, आज दिल्ली प्रवास पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। की बड़ी जानकारी, दिल्ली प्रवास पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, सीएम का केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलने का कार्यक्रम रखा गया है। कई कार्यक्रम उनके बैक टू बैक रखे गए हैं, बड़ी जानकारी। इसके साथ ही आपको बताएं कि आज दिल्ली प्रवास पर सीएम रहने वाले हैं, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो भी पुख्ता कर ली गई है। सीएम का केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम रखा गया है और यहां आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है, बैक टू बैक उनके कार्यक्रम रखे गए हैं। काफी महत्वपूर्ण ये जो दौरा है वो माना जा रहा है। अमित शाह गजेंद्र सिंह शेखावत से भी वो मिलते नजर आएंगे और दिल्ली में इसी तरह से मंत्रियों से चर्चा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जहां आज दिल्ली प्रवास पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई है, इस बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब कराते चलते हैं। ये जानकारी बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है और इससे पहले जो चिंतन मंथन है वो भी हुआ है। 16 नगर निगम के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है, जो लिस्ट है वो आज सामने आ सकती है। सीएम शिवराज के दिल्ली लौटने के बाद से जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सीट पर थोड़ा सा पेच जो है वो फंसा हुआ है। ग्वालियर सीट पर सिंधिया और तोमर की सहमति का जो इंतजार है वो किया जा रहा है, तो लिस्ट जो है वो आज आ सकती है। लेकिन हाँ, तीन सीट ऐसी हैं जहां पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। 16 नगर निगम के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इसमें हो सकता है और ये काफी महत्वपूर्ण खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। हालांकि बस सीएम शिवराज सिंह चौहान जब यहां दिल्ली से वापस आ जाएंगे तो जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी। हालांकि तीन जो सीट है वहां पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है और जो इंतजार किया जा रहा है वो सिंधिया की रजामंदी का इंतजार किया जा रहा है, सिंधिया और तोमर की सहमति का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।